गाइज मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू गाइज, तुम्हारे थॉट्स ऑन दिस डिसीजन। एक सेकंड रुको, लेट मी चेक, मेंबर ओनली कहाँ से हटाओ, ओके यस मिल गया गाइज, मेंबर ओनली मैंने चैट हटा दी है, नाउ यू कैन सेंड एनी काइंड ऑफ मैसेज। सो कुछ गलत चीज़ें मैं स्पैम करना गाइज, बट हाँ कि मतलब तुम्हारे थॉट्स इस चीज़ के ऊपर क्या लगता है तुम्हें, चलो बताओ। मैं पहले ना गेम का भी आवाज म्यूट कर रहा हूँ, आई डोंट वांट, ओके हाँ हो गया। गाइस देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, पबजी बैन हुई है ठीक है, लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, वो बैन हुई है क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ चीज होगी, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पबजी मोबाइल ऑब्वियसली लेके आएगी, बट उसको लाइक टाइम लगेगा, मे बी एक दिन दो दिन एक वीक लगेगा, आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। बाकी ये मैं मेरे मन की बातें बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। रही बात अपना पबजी मोबाइल, देखो अपने को प्रॉब्लम बस ई स्पोर्ट्स में होगा, बाकी अपने पास बहुत सारी गेम्स यार खेलने के लिए, चिल मारो क्या, अपने पास ऑडियंस है, अपने भाई लोग है, सब कुछ है, लेकिन लेकिन देखो एक ये स्टेप था गेमिंग इंडियन गेमिंग कम्युनिटी को आगे लाने का, लाइक स्पोर्ट्स ये सीन सब कुछ। मैं भी अगर पबजी मोबाइल ये टेंसेंट को बता के, आई डोंट नो सारी चीज़ें अगर बता के करती तो मैं भी हो सकता है कुछ उसका सॉल्यूशन आ सकता था। अब देखते हैं, अब भाई अभी बैन होगी अब उसके बाद, क्योंकि अभी देखो ना PMPL ऑन गोइंग है, PMCO ख़त्म हुआ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आने वाली है, तो समझ रहे हो ना, मतलब वी डोंट नो एनीथिंग। एंड रही बात गवर्नमेंट डिसीजन की, तो हम रिस्पेक्ट करते हैं उसका यार, समझ रहे हो, ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ऐसे। तो मुझे अब बात बताओ, तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा तुम किसी ऑफिस में जाते हो ठीक है, तुम्हारे घर के मेंबर, तुम ऐसे थोड़ी बोलोगे भाई नहीं कल से तो ऑफिस जाना है बंद कर दे भाई, ख़त्म, नहीं जाना ऑफिस, नहीं चाहिए हमें कुछ, ऐसा थोड़ी होगा। तो गवर्नमेंट जो भी है सोच समझ के किया है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड मस्त यार अपन कल बूम बाम करेंगे यार अलग गेम्स में, समझ रहे हो। बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है मेरे को, देखो हमें तो ठीक है, हमें तो चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है भाई जिनका स्पोर्ट्स के ऊपर सब कुछ सीन है, जो प्लेयर्स है स्पोर्ट्स को लेकर, या भी जो भी चीज है यार, उनका सोचो ना क्या होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब कोई भी और पेमेंट नहीं करेगी, और भी बहुत सारी चीजें होगी जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें। तो जिनका पबजी मोबाइल आई मीन स्पोर्ट्स को लेकर, जो भाई कितने लोग होंगे भाई सोचो ना, कितना सारा नेशन फर्स्ट गाइस, यस ऑब्वियसली यार, बाकी अपन तो आएंगे यार मस्त। उल्टा मैं तो बोलता हूँ अभी ना पीसी गेम्स को बुमबाम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, पीसी गेम्स को आगे बढ़ाएंगे। और बताओ यार कल क्या कौन सी गेम खेलनी है, चैट में सब अलग लिख दो, कल कुछ अलग गेम बता दो यार। अब एक्चुअल में पबजी नहीं खेलनी अब हमें, वैसे देखा जाए तो अभी टेम्प्रेरी, मतलब जब तक अभी तो बैन नहीं हुई है, बट हाँ तो बताओ गाइस कौन सी गेम खेलनी है। कल बुमबाम कर देंगे, बताओ बस तुम। वैलो ओके फॉल गाइस, मुझे लग रहा है अपन ने ना स्पेशल स्ट्रीम नहीं करी ना फॉल गाइस की, ये देखो रेबल के साथ इधर। एनीवेज गाइस अब टाइम आ चुका है अपना स्ट्रीम बंद करने का, अपन मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में, अगर कुछ न्यूज़ पता चलती है तो कुछ पोस्ट डाल देंगे हम, बाकी चिल मारो लोंडो, और तुम्हारे थॉट्स जो है कमेंट बॉक्स में बता दो जैसी ये स्ट्रीम बंद हो जाएगी ठीक है, तुम्हारे थॉट्स कमेंट बॉक्स में बता देना, क्या तुम थिंक करते हो, क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में। एंड नेशन फर्स्ट गाइस, जो भी डिसीजन है वी रिस्पेक्ट, एंड कल से अलग बुमबाम दिखेगा तुम्हें स्ट्रीम पे, और आज सोचते हैं कौन सी गेम खेलनी है, क्या खेलनी है, फॉल गाइज ही खेलेंगे अपन, फॉल गाइज तो खेलती ही है। वेलो खेलना है या फिर पबजी खेलना है भाई, पचैट जो तुम बोलोगे पहले वो उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे भाई। भाई आज पबजी खेल ले, लेट्स गो भाई, पबजी खेल ले आज, पहली बात क्रशर सुन, देख कितना ही बुरा लग जाए, सीधी बात यह है नेशनल सिक्योरिटी के आगे कुछ भी मैटर नहीं करती भाई ये सब चीजें। भाई लोगों ने जिन्होंने पढ़ाई लिखाई सैक्रिफाइस कर दी थी, जितने हमारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर
हाँ उनके लिए गलत हुआ, उनके लिए गलत हुआ। ऑस्टिन ने क्या किया? ट्वेल्थ के एग्जाम नहीं दिए क्योंकि पीएमपीएल चल रहा था। ओ भाई भाई उन लोग के लिए सोचना, भले ही दे वर डूइंग वेरी गुड बट अब क्या करेंगे भाई। आई हैव नो आईडिया बट हम वेलो खेलेंगे। उन लोग के पास तो भाई सपोर्ट भी नहीं है। हम वेलो खेलेंगे, वेलो खेलेंगे। उनके पास तो है भी, उनके पास क्या होगा? हम जैसे लोगों का क्या मतलब तेरा भाई? तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास ऑडियंस है, डेडिकेटेड ऑडियंस है जो तेरे को देखने आएगी, समझ रहा है? तेरे को देखने आएगी। आज तू फ्री फायर खेले, तू वैलोरेंट खेले, तू कुछ भी खेले, तेरे पास ऑडियंस है। उन लोग का तो ऑडियंस ही नहीं है, उन लोग का तो मेन जरिया ये था भाई। अब इस बात का तो हमारे पास कोई भी जवाब नहीं है। पूरी एसजी की लाइनअप पूरी कॉम्पिटिटिव में थी भाई, मेरे हिसाब से कुछ तो बीटी है भाई। देख अगर ही वापस आना भी होगा ना तो कल तो नहीं आ पाता ना, कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। अरे 2-3 महीने तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा भाई। डिस्ट्रीब्यूटर भाई जो लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान में 15 दिन वापस आ गया पबजी, पाकिस्तान का टेम्परेरी बैन ऑलरेडी बोला ये सेक्शन 69A के अंडर दिया है भाई, जो कि नेशनल सिक्योरिटी है, परमानेंट बैन दिया है, क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूटर चाइनीज है। जब ये डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करेंगे सब कुछ कर लेंगे तो भी 3 महीने द्वारा कॉन्फिगरेशन वगैरह करने में बहुत टाइम लगेगा भाई। 3 महीने और कहीं नहीं लगे, 2-3 महीने सारे के सारे कॉपीराइट्स खरीदने, किसी और कंपनी को देना, नया नाम लगाना, नया कॉपीराइट लेना, डेटा लेना, अगर अगर उनको अकाउंट्स रखने हैं तो सारा डेटा लेना पड़ेगा, वो सब बहुत। भाई मेरे को ये बताओ, जो जो सपने थे वैंस के यहाँ बहुत सारे लोगों के कि ये करेंगे वो करेंगे, वो तो सब मैं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ ये पैरों अपनी गांड में घुसाऊंगा मैं। पैरों का क्या किया जाए लोंडो चैट में, तुम ये बताओ पैरों का क्या किया जाए? What to do with पैरों? 5 महीने से गेम में मोटा खर्चा नहीं करा था, पैरासूट पे कर दिया कि चलो बैन भी नहीं हो रहा तो पहले नहीं बता रहे थे। वेलो में कैंपिंग नहीं होगी भाई, मेरे को मैंने वेलो खेलना सीख लिया भाई। मैं पिछले 10 दिन से लोगों पे जो स्ट्रीम कर रहा था वो वेलो की ही कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा बहुत वेलो खेलना आता है। हाँ ये क्या हो गया भाई, बहुत बुरा लगा, लॉकडाउन का यही सहारा था। लॉकडाउन तो वैसे खत्म हो गया यार, लॉकडाउन तो वैसे खत्म हो गया, पर अभी बहुत बुरा तो लग रहा है भाई, सबको लग रहा है। एक सेकेंड था उस पे देखोगे भाई, इंडिया फर्स्ट हमने 1000 बार कहा है और दिल से कहते हैं हम लोग, ठीक है? और बेंचो तो हम लोग उसके आगे कुछ नहीं है भाई, अगर गेमिंग छोड़ना है तो छोड़ देंगे, है ना? कन्वर्सेशन क्या गेमिंग, ये देखो जहाँ पे देश की बात आती है ना तो हम खड़े रहते हैं, यहाँ पे आप घर पे बैठ के ये मैसेज कर रहे हो, आप थोड़ा सा ये जो डिस्कशन चल रहा है उसका समझो जरा, पहले से देखो क्या चल रहा है यहाँ पे। यार कुछ भी आके कुछ भी बोल दोगे यार, सिंपल लॉजिक भी नहीं है तुम्हारी बातों में कुछ भी। क्या भाई क्या बंदे लोंडे भाई, इधर क्या चल रहा है, तुम बोल क्या रहे हो? इंडिया पार्क खुलवाया अपन ने चालू करते ही वही चीज बोल रहे थे कि फर्क नहीं पड़ता है। एट द सेम टाइम यस, इतना ही कि हमें खराब लगा था, हमने ये नहीं बोला। हाँ झटका लगेगा एक, ठीक है? हाँ। और स्लो डाउन आए, लेकिन ये गेमिंग बंद नहीं होने वाली है। चाहे देखो गेमिंग जब स्पोर्ट होता है उसमें एक गेम नहीं होता, उसमें गेम बढ़ते रहते हैं, तो गेम अभी बढ़ते जाएंगे। अभी तो इंडिया में स्टार्ट हुआ है यार, ठीक है? अभी थोड़ा सबसे बड़ा गेम स्लोनेस आएगी, बट वो स्लोनेस का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ रुक गया। ऐसा भी नहीं बोल सकते स्लोनेस। एक एक सोच, एक क्या होता था पहले जब पबजी चालू हुआ था, अभी कुल भाई को और मुझे मतलब बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम लोग वो टाइम पे थे ना, तो वो टाइम पे कैसा था टूर्नामेंट, जैसे लैन बाय लैन टूर्नामेंट होता था ना, तो वैसे ग्रो हो रहा था टूर्नामेंट, मुझे पबजी धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे मतलब ग्रो हो रहा था। लॉकडाउन हुआ और एक पॉइंट मिला, मतलब एक पकड़ के चलो, क्योंकि बहुत सारे लोग पबजी पता नहीं था जिन लोगों को कि पबजी क्या चीज है, पर वो लोग भी जुड़ गए पबजी से, क्योंकि मतलब सहारा नहीं था ना दूसरा यार, मतलब पकड़ो दोस्त को तो कॉल करके व्हाट्सएप पे दोस्त के साथ कितना बात करेगा, तो पबजी लोग क्या करते थे दोस्तों के साथ पबजी खेलने चालू कर दिया लॉकडाउन में। तो मतलब एक ये गेम की वजह से ना मतलब बहुत सारे चीजें हुई है। ई-स्पोर्ट्स भी इंडिया में बहुत सारे बहुत सालों से चलते आ रहा है, लेकिन इतना बूस्ट जो दिया है वो पबजी ने दिया था ई-स्पोर्ट्स को। तो वही हाँ, तो यही है कि इसके वजह से ना बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगा है, बट एट द सेम टाइम हमने 1000 बार कहा है हम लोग यही चीज करते हैं, देश जो बोलेगा वही हम करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि भाई देश प्रेम हमारे साथ, हमारे मतलब हम भी देश प्रेमी है बहुत बड़े।
तो वही है अभी क्या हो सकता है अभी देखेंगे इसका मतलब कुछ सोल्यूशन निकल सकता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे बैठ के कुछ कर नहीं सकते लेकिन इसका रीजन पता चल जाए ना मजा आ जाएगा यार इम्पोर्टेंट चीज वही है उसी लेकिन अगर हम वही आरटीएम पे डालते हैं तो इट विल टेक अ बिट ऑफ अ टाइम और उस टाइम के बीच में देखते हैं बिकॉज हमारा तो कुछ नहीं भी अंडरस्टैंड कि हाँ देश भी पहले है बट मेन चीज आती है वो ऑडियंस जो इस गेम को प्यार करती है जो ऑब्वियसली हम लोगों को भी चाहती है कि आवाज उठाए लेकिन आवाज उठाने के साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि कंट्री इज ऑब्वियसली फर्स्ट आउट इन भाई क्या भाई मतलब जो होगा वो सही कर रहे हैं ना सब पहले भी तो चली रही थी ना पहले तो नहीं बैन किया अभी कुछ ऐसा हुआ होगा भाई जो कि मतलब जहाँ पर ऑडियंस को भी मजा है जहाँ पर हमें ही मजा है बाद में अगर पबजी वापस आती है गुड थिंग बट तब तक के लिए नए नए एरियाज नए नए गेम्स नई नई चीजें एक्सप्लोर हो सकती है ये टाइम एक्सप्लोरेशन का एक तरीके से क्या पता किसी और की लाइक जो अभी अपने आपको पबजी में आसमान था कल वो कॉल ऑफ ड्यूटी का एक अच्छा प्लेयर मतलब कुछ भी हो सकता है नहीं से निकल आए और अच्छे लोग एक सेकंड ना ब्रो आई डिडंट गेट इट टीनेजर स्टेड एट होम फॉर 5 मंथ्स बिकॉज़ ऑफ पबजी नाउ टीनेजर विल गो आउट एंड कोविड 19 विल स्प्रेड मच मोर फास्टर देन बिफोर एटलीस्ट कोविड 19 फिनिश होने का वेट करते नहीं कर सकते यार इसमें मतलब हम भी कुछ नहीं कर सकते और गवर्नमेंट ने जो लिया यार ये उनकी गलती है ना यार आपने अगर देखा है ना भाई ऑनेस्टली बोलता है इंडिया ने आज तक किसी को जॉब नहीं दिया है मतलब जो अपन ने इंडिया देखते हैं ना हम लोग बचपन से कि इंडिया पे बहुत लोगों ने हमले किए मतलब जो भी किया भेंचो इंडिया ने कभी जॉब नहीं दिया अभी अपने अपना देश जॉब दे रहा है और एक अच्छी चीज है माँ का भोसड़ा भाई